हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बहुत ही चौंका देने वाला है एक मैजिक होगा। मैजिक किससे होगा आप लोग देख ही सकते हो। मेरे पास एक कॉइन और एक क्लास, तो मैं कॉइन को आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे देश का एक 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है। तो आप इस कॉइन को रखेंगे इधर, ठीक है, आपके आंखों के सामने। और मेरे पास है एक ग्लास जो कि सी थ्रू है, आप लोग देख सकते हो। ग्लास का मतलब कांच से बना हुआ ग्लास है, जिसे कि आप लोग फुल्ली देख सकते हो। इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है और ये एकदम ही पूरी पूरा खाली है। तो आप इस ग्लास को मैं पकड़ता हूँ ऐसे, और आप लोग एक चीज दिखा देता हूँ कि ये ग्लास है पूरी तरह से सॉलिड। ओके, तो अब ये कॉइन रहेगा इधर और ये ग्लास रहेगा इधर। ओके, अब मैं मैजिक करूंगा। मैजिक क्या होगा, वो होगा ये कॉइन ग्लास को चीरता हुआ अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैं इफेक्ट आपको बता दिया, तो आप गौर से देखो, ठीक है। रेडी हो आप लोग? 1, 2 और 3। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये जो कॉइन है वो पूरा ग्लास के अंदर जा चुका है, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये कॉइन है ग्लास के अंदर था, तो जो बाहर था वो अंदर कैसे गया, यही है मैजिक। तो अगर आपको ये मैजिक सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और देखते हैं कैसे मैंने इस मैजिक को किया। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कैसे मैंने इस मैजिक को किया। इस मैजिक को करने के लिए जो आपको चाहिए वो होगा एक कॉइन और एक ग्लास, लेकिन ये ग्लास और इस कॉइन में कुछ भी जादू नहीं है। तो जादू किस पे है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, उसमें जादू है एक और कॉइन में, जो कॉइन रहता है मेरे इस हाथ पे, ठीक है। तो आपको एक सेम कॉइन लेना होगा, जो कि एक ही तरीके मतलब सेम कॉइन नहीं तो क्या कैसे होगा। सेम कॉइन लेंगे और इस कॉइन को हाथ में ऐसे छुपा के रखेंगे। तो हम लोग कॉइन को दिखाए या फिर क्लास को दिखाए, कभी भी ये कॉइन नहीं दिखना चाहिए। मैंने भी नहीं दिखाया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ग्लास को ऐसे पकड़ता हूं जिससे कि ये ग्लास के ऊपर पूरा लटकता रहता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 1, 2 और 3 बोलने के साथ साथ इसको छोड़ दिया और लगा कि कॉइन अंदर से जंप कर दिया। अब नीचे का कॉइन क्या हुआ, नीचे का कॉइन मैंने सिर्फ ऐसे किया और वो कॉइन इधर से मेरे गोद में गिर गया। हालांकि अभी वो पूरा नीचे गिर गया है। जो भी हो, आप जब इसको करेंगे तो ऐसे आपको रिलैक्स से करना है कि वो कॉइन इधर से इधर गिर जाए, ठीक है, आपके गोद में। और लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और अपना हाथ का पोजीशन पहले आप जैसा रख रहे हो वैसा ही रखो, क्योंकि कॉइन गिर जाने के बाद अब अगर रिलैक्स हो गए तब लोग सोचेंगे अब तक हाथ ऐसा नहीं था, अब हाथ ऐसे क्यों हो गया। ये एक छोटा सा टिप है, आप पहले से ही हाथ को ऐसे रखे थे तो मैजिक हो जाने के बाद भी हाथ को कुछ ऐसे ही रखो, जैसे कि एकदम नेचुरल लगे। तो आई होप आप सबको ये मैजिक जान के और सीख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताओ अपना सुझाव, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते अगले वीडियो देखिए अच्छे मैजिक के साथ। तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे, और ऐसे ही औसम मैजिक सीखते रहिए।